नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल सुविधा में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये गोदरेज का सिंगल डोर फ्रिज है। इसमें थोड़ा लाइट का प्रॉब्लम हो गया है। चलिए मैं आपको डोर खोल के ही इसमें क्या प्रॉब्लम है दिखाता हूँ। ये जो अंदर की फ्रिज की लाइट है वो ज़रा देखिए, ये लाइट कम ज़्यादा हो रही है, मतलब फ्लिकरिंग हो रही है लाइट। ये जो डोर स्विच है, ये जैसे मैं दबा के छोड़ देता हूँ, ये लाइट कम ज़्यादा हो रही है। आपको लगेगा कि इसमें कुछ बल्ब का प्रॉब्लम होगा या फिर होल्डर लूज़ होगा, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। मैंने इसका बल्ब भी चेक किया है, होल्डर भी चेक किया, सब कुछ ओके है। यहाँ देखिए, जो बटन है डोर स्विच का, ये जैसे मैं दबाता हूँ ये लाइट ऑफ तो हो जाती है, लेकिन छोड़ने के बाद ये कम ज़्यादा होती रहती है। यहाँ देखिए, बंद किया, छोड़ दिया, ये देखिए। तो ये इसका प्रॉब्लम है। तो ये जो प्रॉब्लम है, ये इस डोर स्विच की वजह से है। ये डोर स्विच एक बार दबा के बाद में जैसे ही हम छोड़ देते हैं, ये पूरी तरह से रिलीज़ नहीं होता है। तो चलिए इस डोर स्विच को कैसे बदलते हैं देखते हैं। यहाँ देखिए, 1, 2, 3 और 4 चार जगह पे स्क्रूज लगे हुए हैं। ये स्क्रूज निकाल के बाद में ये टॉप की प्लेट जो है निकाल के इस स्विच को हमें बदलना है। तो चलिए शुरू करते हैं।
इस डोर स्विच को मैंने बदल दिया है, अभी एक बार इसको ऑपरेट करके देखते हैं। ठीक है, पहले सप्लाई को ऑन करता हूँ, सप्लाई को ऑन कर दिया है। अभी देखिए, अभी जो लाइट है वो परफेक्ट है, इसमें कोई फ्लिकरिंग हो नहीं हो रही है, यानी कि लाइट कम ज़्यादा जो पहली होती थी वो नहीं हो रही है। ये देखिए, मैंने यहाँ लाइट बंद की फिर वापस चालू की, तो ये जो प्रॉब्लम था ये डोर स्विच में ही था, ये डोर स्विच बदलने के बाद ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। हर एक फ्रिज में इस डोर स्विच का लोकेशन अलग अलग जगह पे हो सकता है। अभी यहाँ इस फ्रिज में इसका लोकेशन जहाँ है, हो सकता है किसी दूसरे फ्रिज में किसी दूसरी जगह पे इसका लोकेशन होगा। और मॉडल के हिसाब से हर एक फ्रिज का जो डोर स्विच है उसका साइज़ और शेप अलग अलग हो सकता है। दोस्तों, चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।